गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है GERD, जिसके अगर फुल फॉर्म हम बताना चाहें तो जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जितने भी टॉपिक हैं वो सभी CCM ने जो सिलेबस हमारा बताया हुआ है, UG और PG का जो सिलेबस दिया हुआ है स्वतंत्र का, उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, ताकि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शो टाइम के अंदर आपका ये चीज़ रिविजन हो सके। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे जो बेल आइकन है मेरी वीडियोस का वो प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि फर्दर मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब बात करती हूँ मैं टॉपिक की GERD। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन की बात करें तो GERD हम किसे बोलेंगे? तो जैसे अभी मैंने इसका आपको फुल फॉर्म बताया कि इसके फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इसोफेजियल। गैस्ट्रिक वर्ड आप सबको पता है हम यूज़ करते हैं फॉर स्टमक, एंड इसोफेजियल फॉर इसोफेगस। नेक्स्ट है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब कोई भी चीज़ जो अपनी प्रॉपर पोजिशन पे है उसका रिवर्ट बैक होना, ठीक है, जहाँ से वो होके अपनी प्रॉपर पोजिशन पे गई है, ठीक है, उस प्रॉपर पोजिशन से बैक थ्रू किसी भी चीज़ का होना, दैट इज़ रिफ्लक्स। एंड रिफ्लक्स डिजीज, डिजीज मीन्स डिजीज। तो इसको आप बता सकते हैं कि इट इज़ ए इरीटेटिंग और ए बर्निंग कंडीशन, लॉन्ग टर्म इरीटेटिंग और बर्निंग कंडीशन इन विच स्टमक कंटेंट कम बैक इन टू द इसोफेगस। मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिजीज़ है, ये नहीं होती है, ठीक है, इसको एक लॉन्ग टर्म चाहिए होता है इस डिजीज़ को होने के लिए। प्रॉपर GERD हम जिसको डायग्नोसिस बनाते हैं, तो इसको ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन के अंदर ये डिजीज़ जो है कोज हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो भी हमने फूड लिया है, जो भी हमने इनटेक किया है, वो प्रॉपर तरीके से स्टमक के अंदर स्टे ना करके क्या होता है, किसी भी एक इडियोलॉजी और पैथोलॉजी की वजह से, मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि इडियोलॉजी क्या क्या हो सकता है, तो किसी भी वन ऑफ द इडियोलॉजी की वजह से वो स्टमक के अंदर वो फूड कंटेंट ना रह के क्या होता है, बैक थ्रू जो होता है वो ईसोफेगस के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसको कॉम्प्लिकेशन या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, और उसी को नाम दिया जाता है GERD। अब अगर मैं इडियोलॉजी की बात करूँ तो इडियोलॉजी के अंदर सबसे जो मेन जो है वो ओबेसिटी हम कह सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी हो सकता है, या फिर कुछ मेडिसन्स हैं, जैसे कुछ बंदे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगर ज़्यादा ले रहे हों, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स ज़्यादा चल रही हों किसी की, या फिर इसके अलावा ये जो स्लीपिंग टैबलेट्स हैं वो ज़्यादा किसी बंदे की अगर चल रही हों, तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिसको हम लोअर जो इसोफेगस स्फिंक्टर है, अगर वो उसका क्लोज़र जो है, अगर वो क्लोज़र प्रॉपर तरीके से ना हो, उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, ठीक है, तो उसको भी हम, वो भी वन ऑफ द मेन इटियोलॉजी इसका हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग जो आपको, मतलब कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे स्मोकिंग जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर एक जो पैथोलॉजी है हाइटस हर्निया, तो उस अगर किसी पेशेंट को हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को भी GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं इसकी बात करूँ इसके साइन और सिम्टम के, तो साइन और सिम्टम के अंदर सबसे जो कॉमनली जो सबसे पहले जो दिखाई देते हैं वो होता है हार्ट बर्न, ठीक है, या बैड ब्रेथ हम जिसको बोल सकते हैं। हार्ट बर्न को पेशेंट जनरली बर्निंग सेंसेशन करके लेके आता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, ठीक है, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन या बर्निंग सेंसेशन बताएगा, जिसको हम मेडिकल टर्म हार्ट बर्न के रूप में लेते हैं, बैड ब्रेथ के रूप में हम इसको ले सकते हैं। या फिर नेक्स्ट, अगर कई बार पेशेंट क्या होता है कि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे समय से चल रही है, तो चेस्ट पेन की कंप्लेन आपको पेशेंट दे सकता है, वोमिटिंग की कंप्लेन पेशेंट आपको दे सकता है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जो GERD के पेशेंट के अंदर जनरली पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, अगर डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो डायग्नोसिस जो सबसे मेन डायग्नोसिस है, देखो वैसे तो 3-4 डायग्नोसिस बताई हुई हैं, लेकिन जनरली क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे मेन जो डायग्नोसिस इस केस में हम कराते हैं, और सबसे प्रायोरिटी की डायग्नोसिस जो होती है, वो होता है अपर GI स्कोपी, जिसको हम गैस्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, वो एक तरीके की एंडोस्कोपी होती है, ठीक है,
दूसरा हम पीएच मॉनिटरिंग करा सकते हैं पेशेंट का, या फिर बेरियम एनीमा एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके साथ में होने वाली इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जो सबसे मेन जो इसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको माना जाता है उसका नाम है अपर जी आई स्कोपी। अब मैं बात करूँ अगर इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो आएगा, जो आपका बेसिक माना जाता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोलेंगे आपको, डाइट चेंजेस के लिए बोलेंगे, डाइट चेंजेस में जैसे लिक्विड ज़्यादा हो, फाइबर फ्रूट्स ज़्यादा हो, जो तीखा जो खाना ऑयली खाना होता है वो सब आपको स्टॉप करने के लिए बोलेंगे, तो ये सब कुछ डाइट चेंजेस करने के लिए आपको बोलेंगे। इसके अलावा अगर मेडिकेशंस की बात करूँ मैं, तो मेडिसन्स में जैसे आपको प्रोटीन पम्प इनहिबिटर्स लाइक ये ओमेप्राजोल आपको एडवाइस किया जा सकता है पेशेंट को। इसके अलावा S2 एंटागोनिस्ट जो होती हैं लाइक रेंटिडिन वगैरह हम उसमें कम्बिनेशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मेटोक्लोपेरामाइड जो टैबलेट्स होती हैं वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और गाबा मेडिकेशंस लाइक बैक्लोफेन वो मेडिसन्स भी इसके अंदर प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम सर्जिकल की अगर बात करें, जैसे मैंने एटियोलॉजी बताया था कि कई बार क्या होता है कि जो लोअर जो स्फिंक्टर होता है एसोफेगस का, उसके अंदर अगर कोई डिसफंक्शन होता है, वो प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाता, तो वन ऑफ द मेन कॉज मैंने बताया था वो GERD। लेकिन अगर कंडीशन वो है तो उस केस में उसको हम सर्जिकली ही हम उसको रिकवरी करेंगे, जिसका नाम होता है फंडोप्लाइकेशन। तो ये था ऑल अबाउट GERD, ठीक है। मैक्सिमम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आएगा तो 5 नंबर के में क्वेश्चन आता है, जो आई थिंक शायद जितना भी मैटर मैंने बताया वो सफिशियंट है। थैंक यू सो मच।